हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 जी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 अब 2020 में बदल चुकी है जी हाँ। शिक्षा मंत्री का शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित बड़ा बयान आया है जी हाँ। कब होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट की नई परीक्षा की तिथि? अब 20 दिन होगी टेट की परीक्षा, शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा इसी तरह के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी टेट परीक्षा की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश द्विवेदी ने कहा है कि अभी यूपी टेट परीक्षा की नई तिथि को लेकर अभी कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। सतीश द्विवेदी ने कहा है कि हम एक उपयुक्त डेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम यूपी टेट की एक ऐसी डेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं इससे कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा क्लैश ना हो। एक ही दिन यूपी टेट परीक्षा और अन्य कोई दूसरी प्रतियोगी परीक्षा नहीं पढ़नी चाहिए। जो डेट हम निकालेंगे उस दिन परीक्षा केंद्र एग्जाम के लिए उपलब्ध होंगे या नहीं इस पर भी विचार करना होगा। वहीं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट सेक्रेटरी रेणुका कुमार ने कहा है कि अभी यूपी टेट की कोई डेट नहीं सोची गई है, जल्द ही नई तिथि का ऐलान किया जाएगा। गौरतलब है कि यूपी टेट 22 दिसंबर को होने वाला था लेकिन एक दिन पहले नागरिकता संशोधन कानून पर मचे बवाल के कारण उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी अब नई तिथि को लेकर परीक्षा कराने को लेकर योजना बना रहे हैं, जल्दी नई परीक्षा की तिथि भी जारी हो जाएगी। दरअसल परीक्षा जल्द इसलिए भी करानी होगी क्योंकि यूपी बोर्ड परीक्षाएँ भी नज़दीक हैं, इसलिए यूपी टेट की परीक्षा यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले आयोजित की जाएगी ताकि परीक्षा को के केंद्रों को लेकर समस्याएं ना हो। दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि अपरिहार्य कारणों से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को स्थगित की जाती है। परीक्षा की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी। आपको बता दें कि परीक्षा के स्थगित होने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान 16 लाख से अधिक उम्मीदवारों को हुआ है जो पिछले 2.5 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। दरअसल उत्तर प्रदेश के कई जिले नागरिकता कानून संशोधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के कारण नेट नहीं होने के कारण 70,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी शुक्रवार तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाए थे, इसके चलते परीक्षा को कैंसिल करना पड़ा था। अब यहाँ बता दें यूपी टेट की परीक्षा की नई तिथि उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक आप सभी को देखने को मिल जाएगी और नई परीक्षा की तिथि उम्मीद है कि जनवरी लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में ही होने की संभावना है क्योंकि उसके बाद सेकेंड वीक से यूपी बोर्ड की परीक्षाएँ शुरू हो जाएंगी, उस बीच परीक्षा नहीं होगी। अगर आप मान लीजिए कि समस्या यहाँ पे ये है कि अगर आपका जनवरी फरवरी के फर्स्ट वीक तक परीक्षा नहीं हो पाए तो परीक्षा लंबी टल जाएगी और मार्च मिड के बाद ही परीक्षा हो पाएगी। तो यहाँ पे संभावना है कि आपको जनवरी लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपकी परीक्षा निश्चित रूप से हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट रही है शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधित। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।